नमस्कार, हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की गद्दी को लेकर लिखी चिट्ठी। राम रहीम ने जेल डेरा प्रेमियों के लिए से जारी 10वीं चिट्ठी में एक बार फिर गुरु होने और गुरु रहने की बात दोहराई है। डेरा सच्चा सौदा में आज 74वां रूहानी स्थापना दिवस और जामे इंसा की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। गौरतलब है कि पिछले महीने डेरा प्रमुख के परिवार के विदेश में सेटल होने की खबरें आई थी। साथ ही 28 मार्च 2022 को राम रहीम ने डेरा प्रबंधन की जिम्मेदारी डॉक्टर पीआर नैन को सौंप दी थी। इससे पहले विपासना इंसा ये जिम्मेवारी संभाल रही थी। घटनाक्रमों के बीच डेरा सिरसा में गुरगद्दी को लेकर भी चर्चाएं गर्म थी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर हरियाणा के गृह मंत्री विज ने चुटकी ली है। विज ने कहा है कि ट्वीट में लिखा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी। बेरुखी के साथ उनके पद से हटा दिया गया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है जो कांग्रेस में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बता दें कि यूपी चुनाव में कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था। बिजली की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिन हो या रात लगातार बिजली कट लग रहे हैं। उद्योगों को बिजली कट से नुकसान हो रहा है। इसी बीच अब उद्योगों के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। इंडस्ट्री को रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं मिलेगी। ये आदेश आज से लागू हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में एक्शन मोड में नजर आए हैं। प्राइवेट क्लोनाइजर व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बिजली के दाम 20 रुपये प्रति यूनिट से भी अधिक वसूलने पर लोगों को बिजली नहीं दी जा रही। बीबीटीपी एलाइट प्रीमियम के प्रबंधन से नाराज लोगों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से गुहार लगाई थी। उप मुख्यमंत्री ने बीबीटीपी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी दाम पर बिजली मुहैया करवाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। वे जिला लोक संपर्क परिवार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंचे। उनके साथ इस दौरान गृह मंत्री विज भी मौजूद रहे। दोनों ने लाल किले का दौरा कर म्यूजियम देखा। अंबाला छावनी में बन रहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद स्मारक में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को लेकर ब्यौरा लिया। मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे और बिजली संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आर के सिंह से चर्चा की। अब राजकीय स्कूलों में पढ़ने के लिए होनहार बेटे व बेटियों को राज्य सरकार की तरफ से टैबलेट दिए जाएंगे। इस टैबलेट में विशेष सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ नेट की सुविधा भी होगी। इन टैबलेट को विद्यार्थियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस टैबलेट को मुख्यमंत्री खट्टर 5 मई को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से वितरण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अहम पहलू यह है कि प्रदेश भर में 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुक्रवार 6 मई 2022 को दोपहर बाद 3 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में कई फैसले लिए जाने की संभावना है, जिसको लेकर आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार 6 मई को होगी, जिसमें कई तरीके के फैसले लिए जा सकेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयभान समेत 4 कार्यकारी अध्यक्षों की टीम 4 मई को चंडीगढ़ में कार्यभार ग्रहण करेगी। इस दिन हुड्डा गुट राजधानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 2014 के बाद से हुड्डा गुट कभी चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में अपना कब्जा नहीं जमा पाया। अब यह हुड्डा खेमे की हनक होगी। इससे पहले 1 मई को हुड्डा फरीदाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 4 मई से पहले उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा मथुरा वृंदावन समेत 2 धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करेंगे। हरियाणा के हिसार में गेहूं और सरसों की कालाबाजारी जोरों पर है। सीएम फ्लाइंग ओवर मार्केट कमेटी ने शुक्रवार शाम को गांव सुल्तानपुर में 2 गोदामों में छापेमारी की। दोनों गोदामों से करीब 1650 क्विंटल सरसों बरामद की गई है। ये सरसों सीधे किसानों से खरीदी थी और मार्केट फीस भी नहीं दी गई थी। सीएम फ्लाइंग ने अब दोनों पर मार्केट फीस में 1,66,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हरियाणा के पलवल में महिला डॉक्टर की जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान महिला डॉक्टर की अश्लील वीडियो भी बना ली, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। यही नहीं, पीड़िता से आरोपी ने 50 लाख रुपये भी हड़प लिए। हरियाणा की पलवल में शुक्रवार दोपहर को जबरदस्त हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 19 पर बहरोला मोड़ के निकट तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से कार हाईवे के बीच फुटपाथ पर बिजली के खंभे से टकराते हुए 3-4 बार पलटी मारती हुई पलट गई। कार में सवार 5-6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, ने मामूली चोटें जरूर लगी थी। फिलहाल हरियाणा के 10 बड़ी खबरों में आज की सुबह में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।